भारत से अपने प्यार नसरुल्ला के लिए पाकिस्तान गई अंजू ने पहले तो बिना पहले पति से तलाक लिए नसरुल्ला से निकाह कर लिया। उसके बाद इस्लाम अपनाकर अंजू से फातिमा बन गई। पाकिस्तान के पुलिस अधिकारी ने ये बात पाक मीडिया के जरिए सबके सामने रखी थी, लेकिन इसके बावजूद नसरुल्ला और अंजू इस खबर को महज अफवाह बता रहे थे। लेकिन अब खुद नसरुल्ला ने अंजू से शादी और अंजू ने इस्लाम कबूल करने की बात के सच को बताया है। नसरुल्ला ने कबूल कर लिया कि अंजू यानी फातिमा अब उसकी बीवी है। नसरुल्ला ने अंजू को लेकर कई और बड़ी बातें बताई हैं। नसरुल्ला ने दावा किया कि पाकिस्तान की सरकार अंजू को नौकरी और घर देगी। अंजू सब कुछ अपनी मर्जी से कर रही है। इस्लाम अपनाने की वजह से अब अंजू को जल्दी पाकिस्तानी नागरिकता भी मिल जाएगी और अंजू भारत जाकर अपने बच्चों को वापस पाकिस्तान ले आएगी। अंजू के पहले पति अरविंद की माने तो अंजू से रिश्ते बिल्कुल ठीक थे और अंजू के पाकिस्तान जाने के बाद से बच्चे अंजू से काफी नाराज हैं और अंजू का चेहरा तक नहीं देखना चाहते। कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, उसके भाई भाभी दोनों थे वो भी देख लिए। दो तीन महीने से मम्मी भी आती थी वो भी देखती थी। क्या रिश्ता पहले जैसा रहेगा? नहीं, अब रिश्ता रखना ही नहीं, खत्म है। खत्म है सब, बच्चे भी तैयार है, खत्म कर दिए बच्चे भी। अच्छा, वहाँ जो नसरुल्ला है पाकिस्तानी मीडिया को, उसने ये स्टेटमेंट दिया है कि अगर अंजू बच्चे को लेकर आती है तो मैं एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ। वहाँ बच्चे जाने को राजी नहीं तो कैसे एक्सेप्ट करेगा? वहाँ बच्चे तो तैयार ही नहीं है जाने के लिए। और अगर अंजू आपके ऊपर प्रेशर बनाए, दबाव बनाए कि मैं बच्चों की कस्टडी लेना चाहती हूँ तो? नहीं, ऐसा होने ही नहीं देंगे। बच्चे भी रो रहे होंगे? बच्चे भी रोते हैं। एक हमारा छोटा बच्चा खाना नहीं खा रहा, मम्मी को याद कर रहा है। क्या बच्चों के दबाव में आप झुक सकते हैं? मैं बच्चों के लिए तो तैयार हूँ। हमारी बेटी से बात होती है, कोई दिक्कत? मतलब अगर आपकी बेटी ने कहा कि मम्मी को पापा एक्सेप्ट कर लीजिए फिर से तो आप? बेटी कहेगी नहीं, मेरे को विश्वास है। वहीं नसरुल्ला ने अंजू को लेकर ऐसे ऐसे दावे किए कि सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। नसरुल्ला ने कहा कि हमारी तरफ से अंजू पर कोई दबाव नहीं है। अंजू 3 साल से अपने पति से अलग रह रही थी और कोर्ट में तलाक के लिए अपील भी की थी। मुझे डर है कि कहीं भारत में अंजू पर हमला ना हो जाए। बच्चों की वजह से अंजू भारत वापस जा रही है। वीजा के खत्म होने से पहले ही अंजू भारत जाएगी। अंजू अपने बच्चों के लिए पासपोर्ट अप्लाई करेगी। पाकिस्तान की सरकार ने बच्चों को भी नागरिकता देने का वादा किया है। बच्चों को अभी इस्लाम धर्म में शामिल नहीं किया जाएगा। अगर अंजू अपने बच्चों को लेकर पाकिस्तान नहीं आती है तो मैं भारत आ जाऊंगा और दोनों को लेकर आऊंगा। अंजू से शादी की है और उसको कभी नहीं छोड़ूंगा। नसरुल्ला के इन दावों से साफ है कि अंजू को खुले तौर पर ISI और पाकिस्तान की सरकार का समर्थन मिल रहा है। हालांकि खुद अंजू ने इस पर कुछ भी खुलकर नहीं बोला है, लेकिन नसरुल्ला के इन बयानों ने अंजू की पोल खोलकर रख दी है।